आज मैं आपके साथ मसाला पाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मुंबई का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, जो कि मैं आपको दो तरीके से बताने वाली हूँ। ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है, बनाने में बहुत इजी है, पर खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जितनी भी नई वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये टेस्टी और इजी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और उसमें जीरा डाल दिया है और राई भी साथ में डाल देंगे। 1/2 टीस्पून मैंने दोनों लिए हैं, 1/2 टीस्पून, और करी पत्ता ऐड कर दिया है। और फिर उसके बाद मैं ऑनियन डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 स्मॉल ऑनियन ली थी और उनको डाइस में कट कर लिया है। इसको अच्छे से हम पिंक कलर होने तक भूनेंगे। फिर उसके बाद में हम गार्लिक डाल देंगे। गार्लिक भी मैंने 5-6 स्लाइसेस ली थी। यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको मैंने कसकर डाल दिया है। उसको अच्छे से भून के अब गाजर ऐड कर दी है। 1 गाजर के डाइस कर लिए थे मैंने पीसेस, उसको मैं इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसको हम भूनेंगे इस तरीके से। आप इसको अच्छे से मिक्स करते हुए भून लीजिए। फिर उसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है 1 चम्मच, मैंने यहाँ पर पिंक सॉल्ट लिया था, और रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया है। साथ ही पाव भाजी या मसाला भी इसमें इसी समय पर ऐड कर देंगे। ये डिश जितनी ईजी है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इन सबको अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट होने तक इनको भूनेंगे। अब मैंने 2 टमाटर लिए थे, उनको भी डाइस करके मैंने उसमें ऐड कर लिया है इसी मसाले में। अच्छे से मैश करते हुए हमने इन्हें भून लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 शिमला मिर्च ली हैं, वो भी छोटी ही साइज़ की थी, उनको भी डाइस करके मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसे थोड़ा हम बाद में ही करते हैं ताकि उनका ग्रीन कलर बना रहे। और उसमें मैंने 1 नींबू का रस मिला दिया है। ये हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। इसको अच्छे से बस हम मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। इस तरीके से आप मैश कर लीजिए। पूरा मैश होना ज़रूरी है, तभी हमारे जो पाव के पीसेस हैं उसमें ऐड होके इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी मैंने अपने 5 पाव लिए हैं, उन पाव को मैंने छोटे डाइस में कट कर लिए हैं। इस मसाला पाव को मसाला उपमा भी कहा जाता है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपनी फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, ईजी स्नैक्स है। अभी दूसरे तरीके से बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मसाला लिया है पैन में, और उसके ऊपर मैंने पाव रख दिए हैं। इन पाव को उसके ऊपर रख के दबाते हुए सेकना है, और उनको पलट कर वापस इसी पैन में सेक लेना है अच्छे से। देखिए इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है पर खाने में बहुत टेस्टी लगता है। देखिए इस तरीके से आप इन्हें सेक लीजिए दबा कर, और फिर इसके ऊपर आप चीज़ डाल के भी इनको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार फिर आपसे मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन हैप्पी कुकिंग फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।